यहाँ पे ना हुसैन अली आवले जो होते हैं उसको तोड़ने के लिए आए हैं। यहाँ पे देखो ये आवलों का झाड़ है और यहाँ पे हम लोग यहाँ ये तो कर रहे हैं बट बारिश हो रहा है हल्की हल्की सी। जल्दी जाना होगा। ये देखो आवले कितने सारे हैं यहाँ पे। ओ बारिश हो रहा है, दिखाओ बस ले आओ, ज़्यादा हो जाती खाने होता नहीं। ओहो ये देखो यहाँ पे भी दिखाओ। यहाँ पे ना हमारे यहाँ आज खाट जो नया वाला था ना उसके लिए बेड मंगवाए थे हम लोग। यूट्यूब में देखकर इसको मंगवाया था, तो ये ऑनलाइन ऑर्डर था। ऑनलाइन मीन्स फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से नहीं है, ये यूट्यूब में हम लोग देख के वहीं से ऑर्डर किया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाने के लिए मुश्किल हो रहा है। जैसे आपको पहले भी आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि सोफ़ा लाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, वैसे ही अभी बेड लाने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। दोनों दो लोग ही हैं यहाँ पे, अभी ये बहुत मुश्किल से ऊपर लेकर आ रहे हैं। ये भी देखते हैं कैसे होगा, बस दोनों दो लोग ही हैं ना, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनको। बहुत वेट भी है ये, 100 केजीज़ शायद 80 और 100 केजीज़ का है ये, इसलिए इतना मुश्किल से ला रहे हैं ये। उसके बाद फाइनली ये ऊपर लेकर आ गए हैं इसको, और अभी फ़िलहाल बाहर ही डाले हैं, अंदर लेकर जाएंगे ये। बहुत मुश्किल से लेकर आए हैं दोनों बेचारे। मुझे बस डर लग रहा था कहीं स्क्रैचेस ना पड़ जाए, क्योंकि वो दीवार पे वो पे एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो उसको बहुत खींच कर लेकर आए हैं वो। यहाँ पे जो दोनों जो देखो कैसे दोनों लड़ रहे हैं, ये दोनों ना मेरे जमाई है, कितने बड़े बड़े जमाई है ना मेरे को। ये छोटे जमाई भी बड़े जमाई अनंतपुर से आए हुए हैं ये। हाय हाय बोले। गाइस, सलाम अलैकुम, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब और करो, फॉलो ये है गौस और ये है भी शोएब। ई बोलो दांत, ये नए नए दांत डला अपने ना बनाए हैं, इसलिए उसका एक दांत चला गया था। और ये इसको बोर मार रहा है, मोबाइल टीवी नहीं है बोल के, और अपने मामू को कॉल करके सता रहे हैं दोनों। यहाँ पे हेलो। हम लोग लंच में बैठे हुए हैं, टाइम देखिए अभी 3:30 हो रहा है, लेट हो चुका है। यहाँ पे इसको देखो ये भैया है, अब बोलो सामने कर जी। हाय अर्पी, ये छोटी बहन बेटी है इनकी, हाँ छोटी बहू है। खाना नहीं खाते है। उनको टीवी में बिजी हो गई हो ना। आज ना मैं फर्स्ट टाइम बोटी का सालन बनाया हुआ है मैंने। आज मैं कलेजी बनाई, फर्स्ट टाइम फ्राई किया है मैंने, उसका राइस बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हम सॉरी कि मैंने इतने दिन से व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं बनाई। तो अभी मैं और जगती जो है हम दोनों वॉक पे जा रहे हैं, देखते हैं। अभी 6 हो रहा है टाइमिंग। कल से जो है मेरे चैनल पे आपको जैसे कि व्लॉग्स तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं जो भी लाइक जो भी प्रेगनेंसी सीरीज है उनको मैं बनाऊंगी। ट्राई करती हूँ कि मैं व्लॉग्स में कल से बनाऊंगी, बट उतना ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। यहाँ से मैं अभी प्रेगनेंसी सीरीज़ जो भी है उनको मैं ट्राई करूँगी कि जितना हो सके मेरा एक्सपीरियंस जो भी है उसको मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, चलो चलते हैं। अभी वॉक पे जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, एरिया तो बहुत अच्छा है ना। घर रिटर्न जा रही थी तो घर पे दूध नहीं था, तो मैं यहाँ से दूध लेने के लिए आई हूँ। यहाँ पे ऐसे ही दूध मिलता है, देखिए कितना गाढ़ा है दूध।
यहाँ पर ये हमारे घर के सामने है दीदी। ये दीदी ना यहाँ पे जो सारी वेस्ट होती है इसमें क्या बोलते हैं मैट बना रहे हैं ना, बनाई सो है मैट बना रहे हैं, जो सारी वेस्ट होती है उसको इस तरीके से फाड़ के ये बना रहे हैं। एक सेकंड दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे करके ऐसे निकाल के उसके पहले इस तरीके से बना लेंगे, बाद में जो है उसको गूंदना होगा। लास्ट में आपको फाइनल लुक इसका एक मिनट में दिखाती हूँ। लुक इसका ऐसे दिखता है देखने के लिए, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाय, क्या है यान? हाय, बोल यान देख। हाय ऐसा बोल। ये देखो ये इनका बेटा है, अस्सलाम वालेकुम बोल, बोलना बोलो अस्सलाम वालेकुम। उसको अभी बात अच्छे से नहीं आती है, उसकी बोट है ये, किसी ने बना कर दी है। इसमें बैठ के ना उसके गर्लफ्रेंड के पास जाएगा लेकर आने के लिए, है ना, जाएगा। देखो कितना खुश हो रहा है गर्लफ्रेंड बोलते ही। एप्पल दिखा रहा है मंजे, मेरे को दे, नहीं देता। अभी मैं ना यहाँ पे पट्टू बना रही हूँ, इसकी तैयारी कर रही हूँ। पट्टू बनाने के लिए यहाँ पे कैरेट और धनिया और ऑनियन और ग्रीन चिली लिया है मैंने। इसके अलावा इसको जो है यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें जो बैटर है चिले का उसमें मिक्स कर लूँगी सब कुछ। ये फ्राई हो चुका है, जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये जो दाल चना दाल था वो ऐसे काला काला हो गया है। अब इसको मैं एक बाउल में यहाँ पे मैं सेपरेट से एक बाउल में यहाँ पे मैं इसको निकाल ली हूँ, तो इसमें ये सब कुछ जो मैंने फ्राई किया था उसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये वाला जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छे से सब कुछ डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डालना है। ये जो फ्राई किया है उसमें थोड़ा मैंने नमक भी डाला हुआ है टेस्ट के लिए, जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। वैसे अभी मैं यहाँ पे तवे पे तवे रखती हूँ और ये जो बैटर था इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो अच्छे से। थोड़ा ये गाढ़ा दिख रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँ और यहाँ पे इस पे जो है तवे में थोड़ा तेल डालूँ ताकि वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूँ। वैसे तो ये अभी जैसे मैं वॉक पे जाके आई थी तो इवनिंग स्नैक्स में कुछ नहीं था, तो बस आटा था घर पे, तो उसी को मैं इवनिंग स्नैक्स में बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, प्याज को इस तरीके से चोक में लगा लिया है तो इसको अच्छे से रगड़ने के लिए, ऐसे रगड़ने से अच्छे से पकता है। और इसमें मैं जो आटा मैंने मिला के रखा था उसको डाल दिया। सब में इक्वल क्वांटिटी में डालना होगा, डाल के जो है इसको थोड़ी देर तक बंद करके रखूँगी ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। तेल डालूँगी, तेल ज़्यादा डालने से ही ये अच्छे से पकता भी है और टेस्ट भी आता है। ऐसे कर लोगी ताकि दूसरी तरफ पकना है ना,
ऐसे दूसरी तरफ पकने के लिए रख लो। सारे जो भी है इन सबको ऐसे ही करते हैं। देखो कितने अच्छे से उठ रहे हैं। ये वाले ना इसमें आप चटनी भी खा सकते हो या कुछ और किसी के फुटाने जिसको बोलते हैं उसका भुट्टे से भी आप खा सकते हो, उसका पाउडर बना के उसमें भी अच्छा होता है। अभी फिलहाल हम लोग आपकी चटनी बनाई हुई है, दोबारा से मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। ऐसे आई एम नॉट कुकिंग एक्सपर्ट हियर, मुझे उतना अच्छे से तो नहीं आता है, बस मैंने ये सब कुछ हमारे अम्मी से सीखा है। मैंने तो ये रेडी हो गया है ना, तो उसको मैं निकाल दिया, ज़्यादा काला हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।